ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हम दो स्ट्रिंग के बीच में कंपेयर करते हैं। अब हम देखते हैं अगला फंक्शन, दैट इज लेंथ। अगर हम किसी भी डिक्शनरी की लेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम उसके लिए लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डिक्शनरी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये हमको वो रिटर्न करके दे देगा। सिंटैक्स लेंथ, और यहाँ पर जो भी डिक्शनरी होगी वो हमको एज आर्गुमेंट हमने पास कर दी। एग्जाम्पल ये हमारे पास डिक्शनरी है जिसमें हमको टू एलिमेंट्स हैं। सपोज अगर हमने यहाँ पर प्रिंट किया इसे, प्रिंट लेन, यहाँ पर डिक्शनरी नेम क्या है हमारा, डी, तो हमने यहाँ पर डी एज आर्गुमेंट पास कर दिया, तो आउटपुट हमारा ये क्या देगा, टू, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू हैं। तो इस तरह हम किसी भी डिक्शनरी की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज क्लियर। अभी तक हमने क्या देखा था, किसी भी एलिमेंट्स को अगर डिलीट करना हो किसी भी एलिमेंट को डिक्शनरी के, तो हम क्या करते थे, डेल फंक्शन का यूज कर सकते थे, जो कि बेसिकली किसी सिंगल एलिमेंट को डिलीट करने का यूज काम करता था। अगर हम चाहते कि हम पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना चाहते हैं, उसके जितने एलिमेंट्स हैं सबको डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्लियर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका सिंटेक्स क्या है, डी डॉट क्लियर, जहाँ पर डी हमारी क्या है, डिक्शनरी है। एग्जाम्पल यहाँ पर एक हमारी एक डी डिक्शनरी है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं। अब अगर हमने क्या किया, यहाँ पर डिक्शनरी का नाम डी डॉट क्लियर, तो ये क्या हुई, हमारी पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। अगर हम प्रिंट डी करते हैं, प्रिंट डी, तो ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा हमें, एम्प्टी डिक्शनरी। इसका मतलब क्या था कि एक ऐसी डिक्शनरी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, क्योंकि हमने क्लियर फंक्शन का यूज किया जो कि हमारे डिक्शनरी के अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं सबको डिलीट कर देगा। नाउ द लास्ट फंक्शन इज हैज की। ये बेसिकली रिटर्न ट्रू इफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी। अगर हमारा जो भी एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो एलिमेंट हमारे डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। सिंटैक्स इसकी, और यहाँ पर जो भी हमारे की हमको पास कर देंगे, जहाँ पर हमारे डी क्या है, एक डिक्शनरी है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक डिक्शनरी है जिसमें हमारे दो एलिमेंट्स हैं, अगर हम चेक करना चाहते हैं यहाँ पर क्या किया, डी हैज की हैज अंडरस्कोर की
यहाँ पर जो भी की थी हमने वन पास की, तो ये क्या रिटर्न करेगा हम इसे टू रिटर्न करेगा। सपोज अगर हमने यहाँ पर कोई ऐसी की पास की जो कि हमारी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो ये यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट हमारा डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। नाउ देर आर सम अदर रिटर्न ऑल द आइटम्स इन फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। अगर हम किसी भी डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं सारे आइटम्स को, तो हम आइटम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं किसी भी डिक्शनरी की सारी केवल वैल्यूज प्रिंट हों, तो हम रिटर्न ऑल द वैल्यूज। तो हम सारी वैल्यूज को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम वैल्यूज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि खाली सारी की प्रिंट हों, तो हम कीज फंक्शन का रिटर्न ऑल द कीज, किसी भी डिक्शनरी की जितनी की हैं वो सारी हम कीज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स डी डॉट कीज, सेम सिंटैक्स हेयर डी डॉट वैल्यूज, जहाँ पर हमारी डी क्या है, एक डिक्शनरी है, डी डॉट आइटम्स। तो इस तरह से हम आइटम्स वैल्यूज एंड की प्रिंट कर सकते हैं, जहाँ पर डी हमारी कोई भी डिक्शनरी है। देन स्टॉप।